हेलो नमस्ते, होला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मुंबई का रिवॉकर्स गेमिंग। आप सभी का स्वागत है एक सस्ते से पबजी मोबाइल गेम प्ले में। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं, हमें मिलती है एक पिस्तौल, और यकीन मानो पिस्तौल से घंटा कुछ भी नहीं होता। तो हम ढूंढते हैं एक अच्छी सी गन और फिर पेलने चलता है बंदों को, फिर बनाते हैं पेटिया पे पेटिया। तो इस टू स्टोरी के पास आते ही जो बमबार गोलियां हुई है, लिटरली ऐसे लग रहा है कि सारे सर्कल के बंदे कोचिंग की में यहाँ के घेरे पड़े हैं, और लूट के नाम पे यहाँ कद्दू भी कुछ नहीं मिलता। पूरा पोचिंग की ढूंढ लिया यहाँ पे जाके, फिर आकर में मिलती हमें यूजी यूजी जो तुम मर्जी कहो। और हम जैसे ही देखते हैं, हम लगाते हैं अपना सस्ता सा होलोग्राम, और देखते ही देखते बंदा स्पॉट हो जाता है और बंदर वाली छलांग मार के निकलता है। यकीन मानो कोचिंग की पूरा कैंपरों से भरा पड़ा होता है, जहां देखो वहां कैंप करके बैठे रहते हैं। पता नहीं रेंट देते हैं या नहीं देते, बट बहुत ज्यादा ही कैंपर होते हैं। जब यहाँ पे हमें मिल जाती है AKM, तो हम उठा लेते हैं बंदों को ठेलने के लिए, पेटी बनाने के लिए, और निकलते हैं बंदों के पास। उतने में ही हमारे बाजू में से हमारे फुटी स्टेप आने चालू हो जाते हैं मैप में से। तो हम बाजू वाले घर में एक बार घुस जाते हैं, घुस के देखते हैं तो आगे देखिए क्या होता है। एक बार को ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा टीममेट है, इसलिए मैं इसे अनदेखा कर देता हूँ। फिर मैं दोबारा से एक बार देखता हूँ तो नंबर तो दिखाई नहीं देता, तो फेलना शुरू और भाई की उधर ही पेटी बना देता हूँ। भाई की पेटी में से थोड़ा सामान लूट लाट के फिर निकलते दूसरे बंदों को ठेलने के लिए। उतने में ही एक और फुटी स्टेप आ जाता है सामने, और किल की भूख देख रहे हो, किल की लालच देख रहे हो कितनी है। तुम्हारे भाई में कूट कूट के भरी पड़ी है। तो तुम्हारा भाई पहले कैंपरों के जैसा खेलता था, बट अब नहीं खेलता। पबजी की स्किल्स बढ़ा ली है तुम्हारे भाई ने। वो इतने में बंदा ठहर, तो इस बंदे की तो बन जाती है पेटी। पेटी बनते ही अपने दो किल कंफर्म हो जाते हैं। उसके आगे देखिए होता है क्या। फिर हम जाते हैं सामने, भैया हमारे ऊपर ही फुटी स्टेप आ रहे होते हैं। तो हम थोड़ा सा हिलप हिलप मेडिसिन मेडिसिन पोजीशन खा लेते हैं जरा। और जो आप अभी आगे देखने वाले हैं, बस दिल थाम के बैठिएगा इस चीज के लिए। तो कोचिंग की में कैंपरों की कमी होती नहीं है, और इससे बड़ा कैंपर तो कोई हो भी नहीं सकता। जस्ट आगे देखिए अभी तो। It was at this moment that he knew he fucked up. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. यकीन मानो इस सीन के बाद ये बंदा कभी पोचिंग की के अंदर कैंप करके इस जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। यहाँ क्या, वो कहीं भी नहीं बैठेगा। और ये एक गलत सीन, मैं बॉम्ब डाल रहा था ऊपर खिड़की में, बट मुझे नहीं पता था बंदा बिल्कुल भी नीचे है जहाँ पे नेट फटा हुआ है। बंदा उठ के भग जाता है, मेरे को गन लेने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है और बंदा हो जाता है फरार। फिर जैसे ही मैं देखता हूँ, फिर बंदे को निकलते पेल के मारते हैं। आइए देखते आगे। Let's go. Let's go.
ये एक और गलत सीन। बॉट ने फायर करना चालू किया, मैंने बंदे को बॉट को इतना डैमेज दिया, किल लेके गया मेरा टीममेट। मतलब किल चोरी की हद होती है रैंडम प्लेयर्स के अंदर। तो कोई बात नहीं, एनिमी से अच्छा है तो अपने बंदे ने ही किल चोरी कर लिया, तो कोई बात नहीं। इसके आगे हम लूट लाट के चलते हैं पोचिंग की से बाहर, और हम देखते हैं आगे बंदे को ठेलने के लिए, पेटियां बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, और इतने में नॉक हो जाता हूँ। नॉक होते ही मैंने बोला भैया बंदे को तो पेलना बनता है, और इसकी रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए बिल्कुल भी। बंदे की ढीठता देख रहे हो, बंदा जहाँ से मुझे नॉक करके निकला वहाँ से बंदा भग के आता है। बंदा जैसे ही भग के आता है बंदे को पड़ती है 2-3 गोलियाँ मेरी 3x के साथ, एकदम सस्ती गोलियों के साथ। बंदे की धीरता देखना तुम, बस अभी धीरता देखना बंदे की। बंदा कतई वो पेड़ के पीछे ओपन एरिया में है, बस पीक कर करके बंदा मारता है। और उतने में ही भैया हमारी गलती कर देते हैं कि भैया भागने लगता है, और आगे देखिए होता है क्या। Enemies ahead! तो यहाँ हो जाती है किल कंफर्म। बंदे का नाम देख के मेरे को हिंदुस्तानी भाव के नाम याद है, टपा टप, क्या बात है। और फिर वैसे ही हमारे टीममेट गाड़ी बीड़ी लेके अरेंज करके हमारे लिए चलते हैं हम किल की भूख मिटाने के लिए। फिर हम जैसे ही पहुँचते हैं, बंदे को लगता है हमारे टीममेट को कि यहाँ पे होंगे एनिमीज, हम चलते हैं आगे। यहाँ पे पहुँचते बट यहाँ पे ढुल्लू कोई कुछ नहीं होता। फिर उतने में ही हम सामने रश करने के लिए देखते हैं कि बंदे बिंदे है कहाँ पे। बंदे तो यहाँ पे नहीं मिले, बट आगे जाके दिखते हैं टेरेस पे तो बंदे हम पे फायर कर रहे होते हैं। बंदे फायर मतलब अभी करना चालू करते हैं, तो बंदा हो जाता है स्पॉट इस खिड़की के अंदर। मैं बंदे को चांस देता हूँ कि बंदा कम से कम मुझे एक मारे गोली, बंदे का लेवल पता लग जाए बंदा किस टाइप का है। मुझे पता लग गया कि बंदा है कैंपर एरिया, कैंपर टाइप का। तो फिर हमने निकाल ली उजी, एकदम सस्ती छोटी प्यारी नन्नी मुन्नी छोटी सी, और नॉक कर देते भैया। और वैसे जैसे नॉक हो जाते भैया वैसे ही हम निकलते हैं रश करने के लिए। एक एक दो लेट्स नेट गो। डालते हैं, पर तब तक भैया रिवाइव होके निकल चुके होते हैं कतई एकदम दूर। इतनी दूर कि पूछो मत कि कहाँ कहाँ गायब हो चुके हैं भैया हमारे। और ये एक और गलत सीन होगा यहाँ पे। अब देखिएगा जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मैं सोचता हूँ बंदे को ठेलूंगा, बट यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, तो मैं निकल जाता हूँ भाग्य यहाँ कूद से। गए। उतने में हमारे टीममेट ने कंफर्म कर दिया कि भग चुके हैं ये, तो हम देखते हैं कहीं स्विमिंग क्लासेस तो नहीं ज्वाइन कर लिए इन्होंने। तो कहीं झुमान झुमाउट कर करके देख रहे, बंदे तो दिख नहीं रहे। फिर जैसे ही मैं भगता हूँ पानी के अंदर कि चलो नदी जोन पार भी आ रहा करते है हैं, पीछे से। झोन आ रहा है। ये हरा झोन हमारे फ़ोन में दिखाई देता है, बाकियों के इसमें नीला दिखाई देता है। तो जैसे ही हम सर्च फॉर पानी के अंदर व्हीकल्स। कूदते, हमारा एक बंदा हो जाता है नॉक। एनिमी को तो पता लग चुका है कि जिनका प्लेयर जो मार रहा है वो हो चुका अरे है नॉक हो ख़त्म। गया यार। बंदे का नाम देख के लिटरली कोरोना वायरस इतनी खुंदक चढ़ी मेरे को कि मैंने बंदे की फ्लैश लाइट से पता लगाया कि बंदा ये है पत्थर कहाँ है पे। और पीछे यार। दोनों बंदे ठिल गए, और हमारा बंदा भी ढीला पड़ा है। ना अभी यार। यार नंबर थोड़ा जल्दी दे दे और यार। वैसे भी ये ये बंदा
बंदर चला रहे थे एम के दे जल्दी फोर्टीन दे। जो कि इनके हाथ में जच नहीं रही थी बिल्कुल भी। कतई स्नाइपिंग के नाम में तो तुम्हारा भाई भी ठल्लू है जो कि MK-14 के मामले में है, बट फिर भी ये उठा ही लेते क्योंकि डैमेज इस गन का एकदम महंगा है। तो यहाँ से लूट लाट के निकलते हैं हम आगे किल की भूख मिटाने के लिए, और उतने में ही तुम्हारे भाई को दिखता है एक बंदा जो कि स्मोक के अंदर से भाग रहा होता है। तो आगे देखिए होता है क्या। Mark the location. सात बंदे रह गए भाई। यकीन मानो या ना मानो बट सच्ची में MK-14 से बिल्कुल भी बंदे नहीं ठेले जाते मेरे से, बट फिर भी कोशिश की जा रही है एकदम। मार कर भाई मार कर। मार्क द लोकेशन। और ये बैठता है हमें ओम का जोर का फटका जो कि हमारी हेल्थ तो पूरी खा जाता है, बट नसीब बहुत अच्छा है कि कवर में है हम। जैसे ही मेरी हेल्थ फुल हो जाती और इतने में ही मेरा टीममेट हो जाता है नॉक और फिर गेम हो जाती है। स्नाइपिंग कर रहा भाई कोई। आगे देखिए ले भाई होता है क्या। ले भाई यहीं बैठ जा नॉक कर। हेल्थ किट तो है ही नहीं भाई किसी के पास। एक दे दे यार अगर है तो। थैंक यू यार। आराम से स्नाइपिंग कर रहा है भाई को। Marked a location. इधर आया बम फेंकता हूँ ना। Why are you running? Why are you running? Surprise, motherfucker! ये दो बंदे तो ठिल जाते हैं क्योंकि ये फ्लैंक मारने की सोचता है, बट इनकी गलत इरादों के वजह से ये नहीं कर पाता है। तो बढ़ता है आगे। यहाँ पे बंदा पत्थर पे स्पॉट हो जाता है मेरे टीममेट को। मैं देख नहीं पाता वो बंदे को क्योंकि वो बंदा छुपा पड़ा रहता है। उतने में मैं अपनी MK निकाल के देखता हूँ बंदे को, देखता हूँ एक हेड पे, बट बंदा हो जाता है छुप जाता है बंदा, उसके बाद निकल जाता है वहां से। और उतने में ही M249 चलने लगती है और मेरा टीममेट की पेटी होने से बच जाता है। पेटी होने से बचा तो लिया बंदे को, उतने में ही फिर देखते हैं क्या होता है आगे। बंदा बैठा होता है कैंप करके, सब देखने की कोशिश करते हैं, बंदा दिखता तो कहीं नहीं है, बट उसके बाद फिर होता है विनर विनर चिकन डिनर। थैंक यू यार। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूले।